अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए कुरान पाक के मुख्तसर मगर इंतहाई मौसर पैगामात जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। गुफ्तगू के दौरान बदतमीजी ना किया करो, गुस्से को काबू में रखो, दूसरों के साथ भलाई किया करो, तकब्बुर ना करो, दूसरों की गलतियां माफ कर दिया करो, लोगों के साथ आहिस्ता बोला करो, अपनी आवाज नीची रखा करो, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो, वालदैन की खिदमत किया करो, वालिदैन से उफ तक ना करो, वालदैन की इजाजत के बगैर उनके कमरे में ना दाखिल हुआ करो, लेन देन का हिसाब लिख लिया करो, किसी की अंधाधुंध तकलीद ना करो। अगर मकरूज मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो तो इसे अदायगी के लिए मजीद वक्त दे दिया करो। सूद ना खाओ, रिश्वत ना लो, दूसरों पर एतमाद किया करो, सच में झूठ ना मिलाया करो, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, मरने वालों की दौलत खानदान के तमाम अरकान में तकसीम किया करो, और खवातीन भी विरासत में हिस्सादार हैं। यतीमों की जायदाद पर कब्जा ना किया करो, यतीमों की हिफाजत किया करो, दूसरों का माल बिला वजह खर्च ना करो, लोगों के दरमियान सुलह करवाओ, बदगुमानी से बचो, गीबत ना करो, जसूसी ना करो, खैरात किया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो, जरूरतमंदों को तलाश करके इनकी मदद किया करो, फजूल खर्ची ना किया करो, खैरात करके बाद में उसे जितलाया ना करो, मेहमानों की इज्जत किया करो, नेकी पहले खुद करो और फिर दूसरों को तलकीन करो, कोशिश करो जमीन पर बुराई ना फैलाया करो, लोगों को मस्जिदों में दाखिले से ना रोको, जंग के दौरान जंग के अदाब का ख्याल रखो, जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ, मजहब में कोई सख्ती नहीं और तमाम अंबिया पर ईमान लाओ, गैर मुस्लिम के साथ मेहरबानी और इखलाक के साथ पेश आओ, खुद को लालच से बचाओ, अल्लाह से माफी मांगो, बेशक वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ना करो, हक का साथ दो, झूठ से बचो, अल्लाह शिरक के सिवा तमाम गुना माफ कर देता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बुराई को अच्छाई से खत्म करो, फैसले मुशावरत के साथ किया करो, तुम में वो ज्यादा मुअज्ज़िज़ है जो ज्यादा परहेजगार है, आपसे जो लोग मदद और तहफ़ुज़ मांगे इनकी मदद और हिफाजत करो, नमाज के वक़्त अच्छे कपड़े पहना करो, चुगली ना किया करो, हेरा फेरी ना किया करो, गुरबत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना किया करो, जिस चीज के बारे में आपको इलम ना हो उस पर गुफ्तगू ना किया करो, इजाजत के बगैर दूसरों के घरों में दाखिल ना हुआ करो, सही रास्ते पर रहो, गुनाह और ना इंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करते रहो, शराब और दूसरी मंशियात से दूर रहो। दोस्तों, इस पैगाम को सवाब की नियत समझकर शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।